देता था, अल्टीमेटम देता था, या कर लो नहीं तो थोड़े से जंगल आ देनी, ठीक है, डराता था, धमकियां बहुत देता था यूरोपियन कंट्रीज को और बाहर भी। एज अ फॉरेन मिनिस्टर पाम्सटर ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग टीडियस इंटरनेशनल, देखो यूरोप के अंदर और यूरोप से बाहर जितने इश्यूज थे ना, चाहे वो रेबिलियन के इश्यूज हो, चाहे वो सक्सेशन के इश्यूज हो, चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट्स हो, उसने बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल किया। सबसे पहला मसला इसके फॉरेन मिनिस्ट्री के आने के बाद था इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम 1830 से 1831। अब ये जो इसमें बेल्जियम का केस था ना, सिर्फ अपने बयानिए की बुनियाद पे जीता है, इसने धमकी दी और थ्रेट किया दो पावर्स को, खबरदार अगर तुम लोगों को इन्वॉल्व किया तो ब्रिटेन अपनी फोर्सेस भेज देगा, और सिर्फ इसकी धमकी से काम हो गया, बेल्जियम को आजादी मिल गई, ठीक है। अब देखिए जो बेल्जियम था ना, ये प्राइमरीली किसका पार्ट था, स्पेन, देखो यूरोप का मैप, स्पेन बिल्कुल आपके नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर है ना, हाँ जी, तो मिल गया है? ओके, तो जो बेल्जियम था ना, ये बेसिकली पहले स्पेन का पार्ट था, उसके बाद ये ऑस्ट्रिया के अंदर चला गया, लेकिन 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई। लाइबा ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुई थी, किस इवेंट के बाद? नहीं, निपोलियोनिक वॉर्स हुई थी 1803 से 1815, उनका जो कंक्लूजन हुआ था पीस ट्रीटी के मौके हुआ था, उस पीस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद बेल्जियम किसके अंडर चला गया, हॉलैंड के साथ इसको अटैच कर दिया गया। अच्छा, अब आप देखें कि बेल्जियम इज अंडर द डोमिनेशन ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड या नेदरलैंड या डच रिपब्लिक हम जिसको कहते हैं, ठीक है, जो कि प्री डोमिनेंट कौन सी पॉपुलेशन है, प्रोटेस्टेंट। अच्छा, अब ये हॉलैंड के अंदर है, और यहां से जो बेल्जियम पॉपुलर, देखो हॉलैंड की अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी है और बेल्जियम की अपनी नेशनल आइडेंटिटी है, तो जो बेल्जियन पॉपुलेशन है ना वो रिजेंट होती है हॉलैंड की पॉलिटिक्स से, और वो मुतालबा करती है कि हमने हॉलैंड से आजाद होना है, यानी कि एक बगावत का आगाज हो जाता है। तो अब देखें कि हुआ क्यों था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुका था, ब्रिटेन के अंदर भी रेवोल्यूशन आया था, अमेरिका का भी रेवोल्यूशन था, तो दुनिया के अंदर जो एक वेव चल रही थी रेवोल्यूशन की, और वो बड़े सक्सेसफुल भी हो रहे थे, तो बेल्जियम ने कहा चलो एक तजर्बा हम भी करके देखते हैं, छोटा सा पंगा लेते हैं, अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, वरना फिर हॉलैंड ही सही, इन्हीं के साथ जिंदगी गुजार लेंगे। तो हाउएवर द पीपल ऑफ बेल्जियम ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिक्लेयर्ड देमसेल्फ फ्री एंड सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम हॉलैंड, रिजल्टेंटली हॉलैंड इन्वेडेड बेल्जियम, हॉलैंड ने फिर क्या किया, बेल्जियम को इन्वेड कर लिया। अंडर दीज सर्कमस्टांसिस पाम्सटन थॉट इट फिट टू रिलाई ऑन थ्रेट्स, उसने कहा कि अभी सिर्फ वार्निंग ऊपर रिलाई करना है। हिज वार्निंग्स ऑफ इंटरवेंशन डिस्करेज्ड बोथ फ्रांस एंड स्पेन टू कैप्चर बेल्जियम और टू इंटरफेयर इन हर इंटरनल अफेयर्स। पाम्सटन कन्वीन अ मीटिंग ऑफ ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रशिया एंड बेल्जियम एंड रिकग्नाइज्ड लीपोल्ड वन एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बेल्जियम। लेटर इन अप्रैल 1839 हॉलैंड आल्सो अकॉर्डेड रिकग्निशन टू द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, ठीक है। देखें अब बेल्जियम पे कब्जा था हॉलैंड का, बेल्जियम के लोगों ने आजादी मांगी हॉलैंड से, बेल्जियम ने उसको बगावत समझते हुए क्या किया, बेल्जियम को इन्वेड किया, ब्रिटेन ने उसको थ्रेट किया, उसको वार्न किया कि अगर आप इस इन्वेजन से बाज नहीं आएंगे तो ब्रिटेन मिलिटरली इंटरवीन करेगा और आपको पनिश करेगा इस एक्ट के लिए। उसके बाद ब्रिटेन ने अपने अलायंसेस यूज किए, ऑस्ट्रिया फ्रांस के साथ बैठा और उनको कहा कि आप इसका पीसफुल सेटलमेंट करें, और बेल्जियम का जो मनाग था उसको लेजिटिमेट हायर के तौर पर एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद फिर बेल्जियम ने, हॉलैंड ने बेल्जियम के रूलर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर मसला था प्रॉब्लम ऑफ पुर्तगाल। अच्छा, पुर्तगाल के अंदर भी ना बहुत ज्यादा मजहबी इख्तलाफात थे, यानी कि ऑलमोस्ट 30% जो पॉपुलेशन थी वो कैथोलिक बहुत ज्यादा थी, तो दो तरह के फैक्शन थे, एक वो जो एब्सोल्यूटिज्म चाहते थे और दूसरे वो जो रिफॉर्म्स चाहते थे, और उनके दरमियान बड़े वायलेंट क्लैशेस होना शुरू हो गए, ठीक है। तो इन सालों के दौरान जब पेड्रो फोर ने पुर्तगाल को एक्सीड किया एज अ मनार्क, तो ये क्राइसिस और ज्यादा सिवियर हो गया। अब इस केस के अंदर देखें जो पाम्सटन था,
उसने किसको सपोर्ट किया? पेड्रो की डॉटर मारिया टू। अच्छा एक चीज याद रखनी है, ब्रिटेन ने ना ओवरसीज जितने भी वॉर्स या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रिटेन क्या करता था, लिबरल कंट्रीज की कॉज को सपोर्ट करता था, मिलिटरली भी, डिप्लोमेटिकली भी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि उनका बिलीफ था ना कि जहां जहां लिबरलिज्म होगी या जहां जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी वहां पे ब्रिटेन के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और ब्रिटेन के जो स्टेक्स हैं या ब्रिटेन के जो इंटरेस्ट हैं उनको वहां पे प्रोटेक्ट करना इजी है। अच्छा जी, तो लॉर्ड पामस्टन वाज नॉन फॉर हिज इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, ऑफन एम्ड एट मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर एंड प्रोटेक्टिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट। इन द केस ऑफ पुर्तगाल ही सपोर्टेड द लिबरल कॉज। इसको उसने सपोर्ट किया लिबरल फैक्शन को एंड रिकॉग्नाइज पेड्रो फोर्थ डॉटर मारिया टू एज द लेजिटिमेट क्वीन ऑफ पुर्तगाल। ठीक है, पामस्टन इन्वॉल्वमेंट एक्सटेंडेड टू द पुर्तगीज सिविल वॉर ऑल्सो नॉन एज द लिबरल वॉर्स वेयर ही लेंट। अच्छा इस आप देखो ये सपोर्ट कैसे कर रहा है, ही लेंट डिप्लोमेटिक एंड समटाइम्स मटेरियल सपोर्ट टू द लिबरल साइड स्पेशली आफ्टर डॉन मिगवेल्स असेप्शन टू द थ्रोन। पामस्टन सपोर्ट फॉर द लिबरल कॉज वॉज मोटिवेटेड बाय द बिलीव दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज अलाइंड बेटर विद द ब्रिटिश इंटरेस्ट देन एब्सोल्यूटिस्ट रिजीम्स। उनका बेसिकली नजरिया ये था या नैरेटिव ये था कि जहां जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं या जहां जहां पे लिबरलिज्म है वहां पे ब्रिटेन का ज्यादा अच्छी अलाइनमेंट हो सकती है। क्या सर हो रहा है, उसने स्क्रीन शेयर हुई है पता स्क्रीन शेयर है नहीं, वो मैसेज जा रहा है बेटा, पूछें सर। आप स्क्रीन आ रही नजर? यस इसका हल मैं यस निकालता सर हूँ, मैं ग्रुप में ना स्लाइड शेयर कर देता हूँ। पूछे सर स्क्रीन शेयर अब बेटा, स्क्रीन नजर आ रही सबको? स्लाइड्स नजर आ रही? अब नहीं सर, नो सर, पहले आ रही थी अपनी। नहीं आ रही, पहले आ रही थी यार आपकी। देखो मैसेज किया तो मुझे नहीं आ रही वो कोई एक आधा बच्चा ना ऊपर से वैसे स्क्रीन को चेंज कर देता है। सर, तब नहीं आ रही थी जब ओके मैंने ओके मैसेज किया था। बेटा, मैंने वैसे ना ग्रुप में शेयर कर दी, आप लोग ना इसको डाउनलोड कर लें और वैसे अपने पास खोल लें स्लाइड्स। अब आ रही है स्क्रीन शो। जी सर, आ रही है। ओके ओके सर, आपने कौन से ग्रुप में शेयर किए हैं सारे? ये ब्रिटिश हिस्ट्री वाले ग्रुप भी हो जाती है नेट शायद। हाँ हाँ जी, वो ओके अभी हो जाती है, ऐसे करती हैं, हो जाएंगी, चले खैर। अच्छा उसके बाद अच्छा दो प्रॉब्लम्स पड़े हैं इसकी फॉरेन पॉलिसी के, दो केसेस। वो इस केस नंबर वन दैट वाज ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम पहले पार्ट था ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया के बाद ट्रीटी ऑफ वियना के बाद किसके अंडर चला गया? हॉलैंड के। ठीक है, अब जब बेल्जियम ने हॉलैंड से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की तो बेल्जियम ने और सॉरी हॉलैंड ने बेल्जियम को इन्वेड किया। उस मौके पे जो आपके पास था पामस्टन, उसने एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी परसू की और वॉर्न किया बेल्जियम को और फ्रांस को कि वो किसी भी तरह से बेल्जियम के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन ना करें। ठीक है, और इस तरह बेल्जियम की इंडिपेंडेंस को उसने सपोर्ट किया और बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर यूरोप में इमर्ज हुआ। ये पहला केस था उसका फॉरेन पॉलिसी का। दूसरा उसका फॉरेन पॉलिसी टेस्ट था पुर्तगाल। ठीक है, अब पुर्तगाल आपको पता है एक डिवाइडेड एथनिसिटी थी और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से
दो तरह के फैक्शंस में पावर स्ट्रगल चल रही थी, एक तरफ एब्सोल्यूटिस्ट थे, एक तरफ लिबरल्स थे, और ब्रिटेन की हमेशा से पॉलिसी रही है कि ये लिबरल साइड को सपोर्ट करता है। तो पेड्रो फोर के आने के बाद ये क्लैशेस बड़े वायलेंट हो गए, लेकिन जब पेड्रो फोर की डॉटर मारिया टू आई तो ब्रिटेन ने उसको सपोर्ट किया, मिलिटरली भी, फाइनेंशियली भी और डिप्लोमेटिकली भी, और इस तरह जो पुर्तगाल था उसकी कॉज को सिक्योर किया और पुर्तगाल के अंदर मारिया टू की जो गवर्नमेंट उसको स्टैब्लिश किया। ठीक है, ये इसका दूसरा केस था। अब तीसरा हम देखते हैं कि हाँ स्पेन का मसला। अब स्पेन के अंदर देखें कि जो किंग फर्डिनेंड सेवन था स्पेन का, 1833 में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे मसला था सक्सेशन का। अब किंग फर्डिनेंड सेवन का कोई बेटा नहीं था, एक छोटी सी बेटी थी सिर्फ 3 साल की, 2.5 3 साल की। अब उसको क्या किया, 3 साल की बेटी थी, उसको फिर थ्रोन पे बैठा दिया गया। अब वो खुद बच्ची तो नहीं बैठ सकती थी, वही बात फीडर वाली आ गई। ठीक है, तो उसकी जो माँ थी क्रिस्टिना, उसने थ्रोन को अक्सीड किया, लेकिन किसके नाम पे किया, इजाबेला के नाम पे, जो कि बेसिकली मोनार्क की बेटी थी। अच्छा, शी हैड द सपोर्ट ऑफ लिबरल्स। अब देखो कि इजाबेला को कौन सपोर्ट कर रहे हैं, लिबरल्स। अब इसका मतलब यह है कि इसको ब्रिटेन किसको फिर सपोर्ट करेगा, इजाबेला को, जिसके साथ लिबरल्स हैं। अच्छा, हम लोगों ने शायद ना कुछ अर्सा पहले वो कमर्शियल आती थी, ये बाटा शूज कंपनी है ना, उनका एक ना शू का ब्रांड का था डॉन कार्लस, बड़ा आप लोगों ने नाम सुना होगा डॉन कार्लस शूज से। वो बेसिकली डॉन कार्लस कहाँ से था, स्पेन से। स्पेन ने बेसिकली उस डॉन कार्लस ने चैलेंज किया था इसके इजाबेल के एक्सेशन को। ठीक है, तो आप देखें हाँ डॉन कार्लस इसका चचा था बच्ची का। अच्छा, तो शी हैड द सपोर्ट ऑफ द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स ऑफ दैट कंट्री, बट इजाबेल्स अंकल डॉन कार्लस कंसीडर्ड हिमसेल्फ टू बी द हायर ऑफ द थ्रोन। पामस्टन वाज इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लिबरल रूल, हेंस अंडर हिज गाइडेंस द क्वाड्रपल अलायंस, उस वक्त का अलायंस है जिसमें यूके, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल शामिल था। देखो इससे पहले पुर्तगाल की उसने कॉज को सपोर्ट किया था ना, तो पुर्तगाल भी किसके अलायंस में आ गया था, ब्रिटेन के। इसका क्या मतलब है कि जो उनकी असेसमेंट थी ना कि ब्रिटेन इंटरेस्ट कैन बी बेटर प्रोटेक्टेड बाय सपोर्टिंग लिबरल्स, वो बिल्कुल सही थे। जिस जिस कंट्री को सपोर्ट किया वो ब्रिटेन के अलायंस में आते गए। तो ब्रिटेन ने अपने अलायंस के जरिए क्या किया, इजाबेला के रूल को रिकग्नाइज किया। उसके बाद 1835 में पामस्टन अलाउड द क्वीन ऑफ स्पेन टू एनलिस्ट 10,000 ब्रिटिश सोल्जर्स अंडर द ऑस्पिसिस ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड एबल कमांडर लेसी इवर्स। उसके ब्रिटेन ने उसको यह भी कहा कि आप मुझे सिर्फ, जिसे कहते हैं ना ब्लैंक चेक आपको ऑफर कर रहे हैं, आप लिख के भेजे, हम आपको 10,000 बरतानवी बेहतरीन सिपाही दे देंगे एक अच्छे कमांडर की कमांड में, और उसमें हम आपकी इस कॉज को सपोर्ट करेंगे। ये ब्रिटिश ट्रूप्स बाद फिर स्पेन गए और इन्होंने डॉन कार्लस को शिकस्त दी, डिफीट किया बैटल ऑफ फेंटरेबिया के अंदर। ठीक है, एंड कैप्चर्ड आयरन इन 1838। इवेंचुअली डॉन कार्लस रिकग्नाइज्ड द राइट ऑफ इजाबेला एज द राइटफुल रूलर ऑफ स्पेन, और इससे उसने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की और सुधर गया, इजाबेला के जो राइट था उसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, इसके 3 केसेस हो गए फॉरेन पॉलिसी के। सर, फर्स्ट वन स्पेन, सेकंड वन पुर्तगाल, थर्ड वन बेल्जियम, के जहां पे उसने जो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की वो सक्सेसफुल हुई। ठीक है, अच्छा फिर देखें इन्होंने क्या किया। मिडल ईस्ट, हमने मिडल ईस्ट का वैसे पढ़ लिया सारा, कि मिडल ईस्ट पे आपको पता है उस वक्त ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, ये आपका सारा ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और इधर से इजिप्ट, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का रूल था। और यहाँ पे जो रूलर था लोकल वो कौन था, मेहमत अली। ठीक है, मेहमत अली वॉज द वाइस रॉय ऑफ इजिप्ट, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द किंग ऑफ, किंग नहीं कहेंगे बल्कि सुल्तान जो टर्की का। ठीक है, हाँ, ही रिबेल्ड अगेंस्ट, वो देखे सुल्तान महमूद, अगेंस्ट सुल्तान महमूद ऑफ टर्की ने 1831 एंड सेंट एन आर्मी अंडर हिज सन इब्राहिम हु कैप्चर्ड सीरिया। यानी कि जो मेहमत अली था उसने अपने बेटे इब्राहिम के अंदर एक लश्कर रवाना किया शाम में, और शाम को क्या कर लिया, फतह कर लिया, और शाम भी आपको पता ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। द किंग ऑफ टर्की सॉट द हेल्प ऑफ रशिया,
रशियन आर्मीज डिड नॉट अलाउ इब्राहिम टू एडवांस बियॉन्ड सीरिया, यानी ये देखे सीरिया से आगे उन्होंने उसको जाने नहीं दिया, ठीक है। रशिया साइंड अ ट्रीटी। अब देखो रशिया का मेन गोल क्या था, देखो गिव एंड टेक की पॉलिसी पर डिप्लोमेसी चलती है। टर्की चाहता था कि ये जो इसकी एक्सपेंशन है ना मेहमत अली की, उसका जो बेटा इब्राहिम आगे एक्सपेंड कर रहा है, शायद सीरिया के बाद कुछ और इलाके भी फतह करता। उसने रशिया से कहा कि आप इसको रोके। रशिया ने उससे कहा कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा मैं आपको ब्लैक सी और जो डार्डनर्स पोर्ट है वहां तक एक्सेस दे दूंगा। और इस तरह एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे जो था रशिया उसका कंट्रोल होकर उसकी डोमिनेंस आ गई। अच्छा द किंग ऑफ टर्की, अच्छा उसके बाद रशिया साइंड अ ट्रीटी विद द किंग ऑफ टर्की विच केम टू बी नोन एज द ट्रीटी ऑफ अंक्यार सिकलेसी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इट वॉज डिसाइडेड इन 1833 दैट टर्की वुड अलाउ द रशियन नेवल शिप्स टू रीच अप टू डार्डनर्स इन द ब्लैक सी। ओके, और 10 डार्डनर्स, अब देखें 10 डार्डनर्स बिकेम अ सोर्ट ऑफ रशियन स्ट्रॉन्ग होल्ड इन 1839। द किंग ऑफ टर्की ट्राइड टू विन बैक सीरिया फ्रॉम मेहमत अली बट ही वॉज अगेन डिफिटेड। जो हम बात करते हैं ना रशियन ऑटोमन एम्पायर 18, 19 और 20th सेंचुरी में बिल्कुल खत्म हो गई थी, इसलिए 18वीं सदी के बाद इसको कहते थे सिक मैन ऑफ यूरोप। क्या बेचारा जो है ना, इसके अगर आप देखें ना यूरोपियन मीडिया के अंदर वो ऐसे दिखाते हैं कि एक कालीन बिछा हुआ है उसके ऊपर बीमार हाथी पड़ा हुआ है, कि एम्पायर बहुत वास्ट है लेकिन कंट्रोल नहीं है। देखो ना टर्की यूरोप के अंदर क्रिश्चियन स्टेट्स इसके अंदर थी, पूरे का पूरा मिडल ईस्ट, फिर आपके पास अफ्रीका का जो आपका वेस्टर्न पार्ट है इसके कंट्रोल में था, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं था। देखो ना कैसे मुमकिन है इतनी बड़ी एम्पायर हो और वो पूरे का पूरा इलाका कब्जा कर ले एक बंदा उनका, ठीक है। इन 1839, अच्छा तो नहीं ट्रीटीज ना भी याद करें, मेन बस उसका जो डेवलपमेंट्स याद कर लें, जरूरी नहीं है इतनी, मुझे इतनी यूज यूज नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा स्ट्रॉन्ग, अगर ये इंफॉर्मेशन आप लिखते हैं कि इट वुड बी मोर देन इनफ। अच्छा तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ब्रिटेन की क्या पॉलिसी थी फिर, के अ स्ट्रॉन्ग टर्की कुड हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग अ बैलेंस ऑफ पावर, और ऑन द अदर हैंड फ्रांस वांटेड टू एक्सपेंड हर इन्फ्लुएंस इनटू टर्की बाय हेल्पिंग मेहमत अली। अब देखिए दो ब्लॉक बन गए, एक तरफ फ्रांस है, फ्रांस किसको हेल्प करना चाह रहा है, मेहमत अली को, ताकि किसको वीक करे, टर्की को। और ब्रिटेन क्या चाहता है, टर्की क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे ताकि बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब ना हो, कोई और पावर आके ब्रिटेन की पावर को चैलेंज ना करे। तो हेंस पाम्सटर इन कोलेबोरेशन विद रशिया ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया फोर्स्ड मेहमत अली टू रिट्रीट, ठीक है। अब इसने अपना अलायंस यहाँ पे यूज किया। द इंग्लिश कमांडर चार्ल्स नेपियर डिफीटेड द इजिप्शियन आर्मीज एट नहरल कल्ब, ठीक है। ये जो ये रशिया का ब्रिटिश के साथ इसको अलायंस फायदेमंद था, क्योंकि उसको तो उधर समंदर वो जितनी जगह भी रही थी उसे अलायंस की बनाई था। बेटा ये आप देखो इसको हम कहते हैं सक्सेसफुल डिप्लोमेसी। इस बंदे ने देखो कौन से टैक्टिक्स यूज किए कि रशिया को अलायंस में आना पड़ा। बाज़ुकात एक गेम होती है जिसको हम कहते हैं जीरो सम गेम, शायद इसने कुछ इस तरह से उसको पोर्ट्रे किया कि आप लड़े हम आपको फला फला जगह पे बेनिफिट, शायद ट्रेड मोनोपोली का वादा किया हो, इस तरह की चीज रशिया उसके अंदर आ गया अलायंस में। तो सर ऑलरेडी देयर है ना, लेकिन वो दोबारा आया उसके अंदर ना, आप वो चाहते देखो रशिया दे रहा था लेकिन रशिया और ब्रिटेन ने उसको कहा कि अगर आपने सिंगल हैंडेडली टर्की को सपोर्ट करना है, हम खुद चाहते हैं टर्की स्ट्रांग रहे, हम मिलके टर्की को डिफेंड करते हैं, तो इसलिए रशिया ब्रिटेन के साथ मिल गया ताकि मिलके एक अलायंस की फॉर्म में टर्की को डिफेंड करें और जो यूरोप का बैलेंस ऑफ पावर है उसको उसी तरह से इंटैक्ट रखें। अच्छा खैर तो ब्रिटेन ऑस्ट्रिया फ्रांस प्रुशिया रशिया एंड टर्की अटेंडिंग अ ट्रीटी कॉन्फ्रेंस एट लंदन, द फॉलोइंग वर द डिसीजंस टेकन इन द लंदन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1841। अब डिसीजंस देखें, पहला मेहमत अली शुड रिटर्न सीरिया टू द किंग ऑफ टर्की, कि जो सीरिया उसने कैप्चर किया वो वापस किसको दे दे, टर्की को। मेहमत अली वॉज रिकग्नाइज एज द पाशा ऑफ इजिप्ट, क्या मतलब इजिप्ट को ऑटोमन एम्पायर से कट ऑफ करके मेहमत अली को उसका रूलर एक्सेप्ट कर लिया गया। तीसरा जो रूस के कंट्रोल में नहीं था, रूस के खिलाफ था पॉइंट, दैट वाज द किंग ऑफ टर्की प्रोमिस्ड
दैट ही वुड नॉट अलाउ टू द शिप्स ऑफ एनी पावर टू एंटर डार्डनल्स और बॉस्फोरस, ठीक है। और कई शिप्स किसकी थी? रशिया की। तो रशिया को किस पॉइंट पे पीस किया गया कि जिस तरह छोटे बच्चे कहते जब मेनू नहीं देनी तेनू नहीं देनी, उन्होंने कहा अगर रशिया नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आएगा। रशिया कभी रशिया इनसिक्योर नहीं होगा कि रशिया का जिसके साथ क्लैश वो पावर यहाँ पे नहीं आएगी। अच्छा, दस पाम्स्टर कंटेन्ड द रशियन पावर बिकॉज नाउ शी लॉस द राइट टू रीच अप टू द डार्डनल्स। दिस ट्रीटी ऑफ लंडन कंक्लूडेड बाय पाम्स्टर इज कंसीडर्ड टू बी हिज ग्रेट विक्ट्री। अब देखो चौथा इस मिडिल ईस्ट क्राइसिस के अंदर भी उसने जो डिसाइड, वो चाहता था रशिया को इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट तक एक्सेस ना मिले, एट द एंड उसने अचीव कर लिया। वो चाहता था टर्की स्ट्रांग रहे, इंटैक्ट रहे, और टर्की इंटैक्ट रहा। ओके अच्छा, अब देखो फिर उसको, आपको याद है चाइना के अंदर ना ऑपियम की बड़ी प्रोडक्शन होती थी, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर ऑपियम बड़ी एक मेजर फूड है ना, उनकी बड़ा क्रॉप है, चाइना के अंदर ऑपियम प्रोड्यूस होती थी। और इस ऑपियम की वजह से जो चाइनीज ट्रेडर्स थे ना, उनके बार बार क्लैशेस होते थे ब्रिटेन ट्रेडर्स के साथ, ब्रिटिश ट्रेडर्स के साथ। तो यहाँ पे इनके दरमियान ओपियम वॉर हुई, ठीक है। पाम्स्टन्स पॉलिसीज ड्यूरिंग द ओपियम वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना एम टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड सिक्योर ट्रेड राइट्स। ही ओवरसॉ ब्रिटिश मिलिट्री एक्शंस दैट लेड टू द ट्रीटी ऑफ नैनकिंग इन 1842 which established favorable trade terms for Britain and ceded Hong Kong to British control. He waged a second war against China in 1856 as Chinese blocked British traders violating the treaty. This treaty ended in 1861 with Treaty of Tientsin offering facilities for British traders. ठीक है, तो China के अंदर जब British trade को intercept किया गया, अब आपको पता है China के अंदर जो major product थी that was ओपियम का, पता है ना, सुपरमैन बना देती बंदे को जो। और ये आपको पता ओपियम को सबसे ज्यादा यूज कौन करते थे? लेबरर्स, मजदूर। उनको मजदूरों के लिए जो बड़ी एक समझे अक्सीर थी, काम ज्यादा करते थे, थकावट का एहसास होता था, ये लेके बिल्कुल सुपरमैन। तो इसलिए ब्रिटेन को ना अपने वर्कर्स को जरा अलर्ट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, उनका एनर्जी लेवल अप होल्ड करने के लिए ओपियम की जरूरत होती थी। और ओपियम प्रोड्यूस कहाँ पे होती थी? चाइना के अंदर। तो जब तक ट्रेड सही चलती रही, जब चाइना को लगा कि यार ये बड़ा हमारी एक्सप्लोइटेशन हो रही है, पैसे कम दे रहे हैं प्रोडक्ट्स के, तो फिर चाइना ने इनको ओपियम वहां पे कल्टीवेट करने और ट्रेड करने से रोक दिया। फिर इनके दरमियान वॉर हुई जिसको कहते हैं ओपियम वॉर, और इसके अंदर फिर पाम्स्टर ने इंटरसेप्ट किया और ब्रिटेन के इंटरेस्ट को सिक्योर किया, ठीक है। इसके साथ जो पाम्स्टर था उसने हर किस्म की ओवरसीज कॉलोनी में ब्रिटेन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया। आप इंडिया के अंदर देख लें, अमेरिका के अंदर देख लें, कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड था, कभी आम बंदा इन तक पहुंच नहीं सकता था, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा थी, आम बंदा कभी इनके सामने अपनी कमांड या अपनी कंप्लेन लेके नहीं जाता था। अच्छा, फिर आ जाती प्रॉब्लम ऑफ हंगरी, इसको रीड करे को बच्चा ऊंची आवाज से। यूरोप के अंदर बड़े रेवोल्यूशन आ रहे थे, गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, मोनार्कीज डीथ्रोन हो रही थी, लिबरल रूल्स एस्टेब्लिश हो रहे थे, तो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन थे यूरोप के अंदर, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है जी। Like France, Germany, Austria, Hungary, and Pelmetlin. Palmerston always took sides with those who struggled for freedom. जो देखो, अब देखो यहाँ पे पाम्स्टन थे ना, जहां जहां पे रेवोल्यूशन आया पाम्स्टन ने हमेशा कोशिश की किनको सपोर्ट करना है, जो जो किसके लिए लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए, लेकिन ओवरसीज कॉलोनी को नहीं करना, सिर्फ किसके अंदर करना है, यूरोप के अंदर, ताकि अपने आर्च राइवल्स को क्या करें, वीक करें। So he encouraged the Hungarians to carry on the war of freedom against Austria. The Austrian emperor left the throne and his minister ran away. Palmerston wanted to send British forces for the help of Hungarian Protestants, but he could not do so due to the strong opposition
ऑफ द लॉर्ड जॉन रसल द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एंड क्वीन विक्टोरिया. Resultantly, Austria quelled the Hungarian revolt with the help of Russia. The only thing that Palmerston could do was to give asylum to Kossuth, the leader of the Hungarian freedom struggle in his country. ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो हंगरी का केस है, हंगरी demanded freedom from Austria. ठीक है. और इसको आमतौर पे जो ऑस्ट्रिया के हंगरी के लोग थे, they were seeking a लिबरल रूल, दे वर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस. तो ब्रिटेन ने उनकी कॉज को सपोर्ट किया, लेकिन ये था जहां पे उसका इंटरेस्ट उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं हुआ. ठीक है. क्योंकि जो कि उसने अपनी पॉलिसी बनाई, लेकिन ही वॉज जस्ट अ फॉरेन मिनिस्टर, ही डिडंट हैव दैट मच अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट हिज पॉलिसी. उसने बताया कि ऐसे ऐसे हमने करना है, फौज भेजनी है. कहां पे भेजनी है फौज? ऑस्ट्रिया के अंदर. लेकिन जो जॉन रसल था उसने उसकी बात नहीं मानी. तो फिर बेचारा जो उसके बस में था उसने इतना किया कि जो बंदा वहां पे बगावत को लीड कर रहा था उसने कहा बजाय कि तुम्हें वहां पे फांसी दे दी जाए तुम भाग के तरह में पनाह मिल जाएगी, तो इसने उसको पनाह दे दी. हाँ जी. फिर इसने देखे इटली के यूनिफिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. हमने जिस तरह पढ़ा ना ग्रीक की बड़ी सिटी स्टेट्स थी, तो इटली भी छोटी छोटी सिटी स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था जो आपस में लड़ती थी. तो दो बड़े इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जिनके अंदर है गरिबाल्दी एंड मजीनी. इन दो करेक्टर्स ने पूरे के पूरे इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की, और इसके लिए इनको चाहिए थी फॉरन सपोर्ट. और वो फॉरन सपोर्ट आपको एक बंदा हमेशा तैयार बैठा होता था. कौन था? पाम्स्टन. पाम्स्टन ने उनकी कॉज को सपोर्ट किया और अल्टीमेटली उन्होंने सिसली और नेपल्स के सिटीज को ज्वाइन किया, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो इटली था वो यूनिफाई हो गया. और इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर कौन था एज अ फॉरेन असिस्टेंट? पाम्स्टन. अच्छा, अब पाम्स्टन साहब बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, पहले थे फॉरेन मिनिस्टर, अब पाम्स्टन एज अ प्राइम मिनिस्टर. देखें कौन कौन से. अब देखो हमने पढ़ा कि टर्की जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ा वीक हो रहा है. ओके, वीक. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर तो वैसे ही माशाल्लाह एंड हो जाता है. तो वो, और वैसे हम कह सकते इट वॉज अ फाइनल ब्लो टू अ डिक्लाइन ऑफ टर्की. वो पहले डिक्लाइन कर चुका था. अब जैसे ही पाम्स्टन प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, तो ईस्टर्न क्वेश्चन एक इशू रेज होता है. ईस्टर्न क्वेश्चन हम किससे कहते हैं कि देखें जो टर्की, आप यूरोप को देखो जरा. अब जो टर्की के बिल्कुल ऊपर यूरोपियन एम्पायर है ना, जहां पर टर्की का कंट्रोल, देखें रोमानिया, बल्गारिया, सर्बिया, क्रोशिया, यहाँ और यहाँ पे था टर्की का कंट्रोल. लेकिन जैसे ही यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आई और रिलीजियस अफिलिएशन बड़ी स्ट्रांग हुई, तो ये सारी थी क्रिश्चियन स्टेट्स, कुछ कैथोलिक्स थी, कुछ प्रोटेस्टेंट्स थी. तो उन्होंने इस्लामिक रूलर को अपोज करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन को कौन रूल करे, एक मुस्लिम एम्पायर रूल करे. तो उन्होंने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी. इसकी वजह से एक क्राइसिस आया जिसे हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न क्वेश्चन. द ईस्टर्न क्वेश्चन इसको कहते हैं. चले इसको यार आप ऊंची आवाज से पढ़ो, जरा स्लाइड्स हैं आपके पास. ऑप्शन द नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड फॉर 10 इयर्स बेयरिंग द शॉर्ट पीरियड फ्रॉम ईयर टू 1859. ओके, गिविंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ He worked as Home Minister from 1850 to 1855. Okay. In January 1855, Aberdeen resigned and Palmerston became Prime Minister, causing the main events of his Prime Ministership. The Eastern Question. When the nationalist spirit began to spread in Europe in the 19th century, the Christian state began to take the fetters of Turkey. There started a struggle between Turkey and her Christian colonies, okay, known in history as Eastern Question. Mm-hmm. Russia helped Turkey to increase her influence and find a way for reaching the Mediterranean Sea. अच्छा देखो, रशिया का ख्वाब जिंदगी में ना, रशिया बेचारा अभी भी, अक्सर हम जब भी बात करते हैं ना रशिया की, हम कहते हैं रशिया wants to access warm waters. उसका ख्वाब कब का देखो बेचारे का,
बार बार ख्वाब देखता कि आज तक पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसको वार्म वाटर तक एक्सेस चाहिए और बड़े अरसे से चाहिए, क्योंकि उसने पहले भी टर्की को सपोर्ट किया जब हुआ मिडल ईस्ट का, मेहमत अली ने जब सीरिया को इन्वेड किया, अब जब दोबारा फिर ईस्टर्न क्वेश्चन का इशू आया तो रशिया फिर अंदर उसने कहा मैं आपको हेल्प करता हूँ ऐसी की तैसी इनकी, मुझे बस गार्डन सी तक जाने दो, और उसकी मजबूरी थी। अब रशिया को देखो, ये बेचारा नॉर्थ साइड से भी स्ट्रैंडेड है, आर्कटिक सर्कल है वहां पे टोटली फ्रोजन वाटर्स हैं, ईस्ट साइड से भी सारा फ्रोजन वाटर है, ठीक है। इसको रास्ता ही बेचारे वो देखना ब्लैक सी से मिलता है नीचे, और वहां से फिर ये इधर यूरोप, यूरोप से नीचे अफ्रीका या इधर एशिया तक आ सकता है, तो इसके लिए उसको हर हालत में एक्सेस चाहिए थी, ठीक है जी। इंडिया ने पाकिस्तान के लिए तो बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, लेकिन हमने अवेल नहीं की। हमारा दी। सबसे बड़ा पॉलिसी ब्लंडर था टू गो विद द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और ये हम इसके रेपरकशंस पता नहीं कब तक फेस करते। हमने करने की कोशिश की नहीं कुछ अरसा पहले, और क्या हुआ है आपके सामने हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन जो है ना एक मजम्मत की गोल्ड है ना 9 मई की। स्टार तो बेटा गोल्ड स्टार से बंदे ने लिया था ना, आप नहीं, आपने एज अ नेशन उसको सपोर्ट किया जी। जो पाकिस्तान रशियन ऑर्डर बलाशिया England and France began their efforts to minimize the Russian influence. British and French forces breached the Besika Bay in the Black Sea on October 14, 1853. Their aim was to push Russia out of Moldavia and Wallachia. Therefore, it was necessary for them to capture Sevastopol because of its being the very heart of Russian power in the East. इसको समझे जरा इस कॉन्फ्लिक्ट को, कि रशिया हर हालत में चाहता है एक्सेस मिले कहां तक, ब्लैक सी तक या वार्म वाटर्स तक, और उस एक्सेस को उसको मिली भी थी मोमेंटरीली, मिली कुछ अरसे के लिए, कब मिली, जब उसने सीरिया में इब्राहिम की मूवमेंट को कंट्रोल किया। लेकिन दोबारा जो ट्रीटी ऑफ लंडन साइन हुआ 1841 के अंदर, उसमें इससे प्रॉमिस लिया गया टर्की से कि वो किसी भी इंटरनेशनल पावर को वाटर्स तक आने नहीं देगा। तो अब रशिया के पास दो ऑप्शन थे कि जब दोबारा टर्की के अंदर इश्यू शुरू हुआ ईस्टर्न क्वेश्चन का, उसने पहले अपनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट ऑफर की कि मैं आपको हेल्प करता हूं, लेकिन टर्की वॉज हेल्पलेस, वजह वो ट्रीटी ऑफ लंडन साइन कर चुका था। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, वो था, वो क्या कहते हैं, वॉर इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी। उसने कहा बातों से नहीं मान रहा तो मिलिटरली एक्शन करते हैं। तो फिर रशिया ने क्या किया, टर्की पे अटैक किया उसके जो लिटोरल एरिया से, और मॉल्डोविया और वलेशिया को कॉन्कर कर लिया मिलिटरली। अब अगेन ब्रिटेन बड़ा कंसर्न हुआ, ब्रिटेन ने कहा कि अगर रशिया वहां तक चला गया मिलिट्री एक्सपेंशन के जरिए, तो अगेन ये यूरोप का बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब करेगा और जो ब्रिटेन सुप्रीमेसी है उसको चैलेंज करेगा, ठीक है। इसलिए ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ दोबारा अलायंस किया। अब देखो कितना तेजी से हालात बदले हैं, वो फ्रांस जिसके साथ ब्रिटेन ने 100 साल की जंग लड़ी, वो फ्रांस जिसके साथ ओवरसीज वॉर्स हुई कॉलोनियलिज्म के मामले पे, अब वो कितना स्ट्रॉन्ग एलाय बन गया है ब्रिटेन का, ठीक है। इवन के वर्ल्ड वॉर वन भी आप लोग देखेंगे ट्रिपल अलायंस के अंदर तीन फोर्सेस थी, ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन है वो रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं जी, ये रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के अंदर दोबारा फिर रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो ट्रिपल इंतान था, ट्रिपल इंतान होगा इसको, करो कंफर्म इसको, ट्रिपल इंतान है या ट्रिपल अलायंस है जिसमें ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस है जी। अच्छा देखो, जो ईस्टर्न क्वेश्चन था ना, इसमें टर्की का कंट्रोल बड़ा कमजोर हो गया, और वहां पे जो ज्यादा पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियन थी, अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, अपने आप को टर्की से सेपरेट कर लिया। या आपको अभी शायद आगे मैप आए, हाँ, फिर आगे इंडियन रिबिलियन, ये आपको पता है इंडिया के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट लड़ी गई ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस को
एक्सपेल करने के लिए उसको किसने क्वैश किया, किसको कब पे किया गया, पाम्सटन। ये बंदा बड़ा अग्रेसिव था, किसी भी जगह पे फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता था अगर वो ब्रिटेन के अगेंस्ट है। अगर यूरोप के अंदर है तो फिर हर हालत में उसको सपोर्ट करता था, पैसे भी देता था, फौज भी भेजता था और डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट करता था। लेकिन अगर कोई ब्रिटेन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वो फिर फ्रीडम मूवमेंट नहीं है। देखो ना, यूरोप के अंदर अगर कहीं पे म्यूटनी हो रही है ना, उसको नाम देता था फ्रीडम मूवमेंट का। अगर किसी अपनी कॉलोनी में हो रही फ्रीडम, वो उसको म्यूटनी का नाम देता था। तो इसलिए ये बड़ी इसकी ना एक डुअल इसका करेक्टर था, हिपोक्रेसी थी ब्रिटेन की। फिर अमेरिकन सिविल वॉर्स हैं, ठीक है। इसके अमेरिकन सिविल वॉर्स आप देखो, अगर अमेरिका को देखो, वहां पे एक है नॉर्थ अमेरिका। आज भी जो ग्लोबल नॉर्थ है ना, वो कनाडा और यूएस लैंड और पूरा आपका ये यूरोप आ जाता है, ये बड़ा डेवलप्ड है। यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन हाउसेस थे। नीचे वाला जो साउथ अमेरिका है ना, यहाँ पे सारे के सारे पीजेंट्स, वर्कर्स और लेबरर्स थे। इनके दरमियान क्लैशेस हुए थे, ठीक है। वो एक सिविल वॉर हुई जो कि अल्टीमेटली बाद में जब इनका प्रेसिडेंट बना, क्या उसका नाम था यार प्रेसिडेंट का, बड़ा लोअर मिडिल क्लास से वो आया था, इब्राहिम लिंकन। लिंकन, ठीक है। अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये जो अमेरिकन सिविल वॉर थी वो एंड हुई, ठीक है। इसी तरह जो पोलिश जनवरी अपराइजिंग हुई, जिसमें रशिया, पोलैंड ने रशिया के अगेंस्ट रेबिलियन, रिबेल कर दिया और रशिया के इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए एक मूवमेंट लॉन्च की, इसको भी पामस्टर ने सपोर्ट किया। लेकिन रशिया बड़ा तगड़ा बोला कि रशिया ने इस रिबिलियन को क्या किया, रिबेल किया। अच्छा, अब देखिए, अब इसका कैरेक्टर सीएसएस के अंदर पूछा जा सकता है। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है सीएसएस का। एक तो पूछेगा पामस्टर की फॉरेन पॉलिसी, यानी कि बड़े चांसेस हैं कि पामस्टर का क्वेश्चन आए, और पास्ट में आया भी हुआ है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के परस्पेक्टिव में पूछता है। या फिर अगर वो थोड़ा सा चेंज करे, देखो क्वेश्चन का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन उसको क्वेश्चन के मुताबिक अटेम्प्ट करते हैं। अगर वो ये पूछे कि पामस्टर वॉज कंजर्वेटिव एट होम बट लिबरल अब्रॉड, तो देखे हाँ, घर के अंदर बड़ा जो था ना कंजर्व, कैसे, ही वॉज ओपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, नो एग्जेम्पशन ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड पेपर, ओपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इन डिफरेंस टू आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड के अंदर कितने इश्यूज थे, फ्रेंचाइजमेंट कहते उनको, रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी, सोशल लिबर्टीज नहीं थी, उसमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जब आ जाते हैं ओवरसीज, देखें इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम किसने सपोर्ट किया, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को इसने क्वेल किया, ठीक है। एंड ऑफ डेस्पोटिक रूल इन स्पेन एंड पुर्तगाल, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, दी पॉलिश रेबिलियन। पॉलिश रेबिलियन कहाँ भी हुई थी, जब पोलैंड ने किसको रिबेल किया, रशियन रूल को, ठीक है, सपोर्ट फॉर डेनमार्क, ठीक है। तो जहां जहां पर फ्रीडम मूवमेंट थी विद इन यूरोप, और खासकर उन कंट्रीज में जिसके साथ ब्रिटेन के क्लैशेस थे, तो वहां पे उसने उनको सपोर्ट किया, और जहां पे इसका अपना इंटरेस्ट था वहां पे उसने उसको क्या किया, सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सीएसएस के अंदर, बेंजामिन डिजराइली। अच्छा, ये आप लोगों को एक चीज देखे जरा मैप पे, सऊदी अरेबिया के नीचे देखो, नजर आ रहा है सबको सऊदी अरेबिया, ठीक है, और उसके बिल्कुल सामने इजिप्ट है, आपको ये है रेड सी, इसके ऊपर पड़ा हुआ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अब रेड सी और मेडिटेरेनियन सी देखे, मेडिटेरेनियन सी बिल्कुल यूरोप के साउथ में है, और जो रेड सी है ये आपके पास अफ्रीका के ईस्ट में है, और ये शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट है जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, या फिर एशिया को कनेक्ट कर सकता है अमेरिका के साथ, ठीक है। तो आमतौर पे ये जो रेड सी है ना, ये एंड कर जाता है इजिप्ट के अंदर, तो वहां पे ना आर्टिफिशियल एक कैनाल कंस्ट्रक्ट की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, सुवेज कैनाल। इस सुवेज कैनाल, ये काफी अरसे तक, मतलब काफी अरसे से दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है। फर्स्ट टाइम इसके शेयर्स ब्रिटेन की तरफ से किसने खरीदे थे, बेंजामिन डिजराइली, उसने बाद में खरीदे थे। तो बेंजामिन डिजराइली वाज द फर्स्ट वन टू परचेज द शेयर्स ऑफ स्वेज कैनाल, और इस तरह इसने ओवरसीज जो ट्रेड रूट थे वहां पे ब्रिटेन के इंटरेस्ट को सिक्योर किया। अच्छा, इसको किस किस डोमेन से पूछा जा सकता है सीएचएस के अंदर, के एक्सप्लेन द न्यू टॉरिज्म ऑफ डिजराइली, क्योंकि ये बेसिकली किस फैक्शन से बिलोंग करता था, टॉरीज से, और टॉरीज बेसिकली क्या थे, कंजर्वेटिव। तो आपको नजर आएगा इसकी पॉलिसीज के अंदर कौन सा पैटर्न, कंजर्वेटिज्म का पैटर्न। फिर गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ डिजराइली होम पॉलिसी, ठीक
ठीक है, यानी कि अपने घर के अंदर इसका जो था होम पॉलिसी कैसी थी, और साथ हम डिस्कस करेंगे इसकी फॉरेन पॉलिसी, यानी कि तीन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपको सीएसएस के अंदर आ सकता है। और देखो इसके नाम से, ये बेसिकली ज्वाइश था, एक ज्यू फैमिली से बिलोंग करता था। बेंजामिन डिजराइली ड्यूरिंग हिज टाइम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके परसूड अ रेंज ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसीज दैट एम्ड टू एड्रेस सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, प्रमोट यूनिटी एंड स्ट्रेंथन द कंजर्वेटिव पार्टीज पॉलिटिकल पोजिशन। हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड हिज विजन ऑफ वन नेशन कंजर्वेटिज्म। मसलन ये भी बेसिकली एब्सोल्यूटिस्ट था, ये चाहता था कि सारे लोग कंजर्वेटिव पार्टी के नजरिए तले इकट्ठे हो जाएं, इस परचम के, वो कहता था कंजर्वेटिज्म के परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, ये इसका नारा था। ठीक है, विच एम्फसाइज्ड द नीड टू ब्रिज डिवाइड्स विद इन द सोसाइटी एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं कि ये टॉरिज्म को इसने कैसे रिवाइव किया, जो टॉरी का नैरेटिव था उसको कैसे इसने अपहोल्ड किया, तो डिजराइली गेव अ न्यू प्रोग्राम टू द कंजर्वेटिव पार्टी इन ऑर्डर टू मेक इट द मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑफ इन द कंट्री। इस प्रोग्राम इज प्रोनाउंस, अच्छा उसने नारा क्या लगाया था, जिस तरह होता है ना रोटी कपड़ा और मकान, इसने नारा लगाया था द कॉन्स्टिट्यूशन द एम्पायर एंड सोशल रिफॉर्म्स। ये बेंजामिन डिजराइली का नारा था, ठीक है, जिसने जिसकी वजह से ये चाहता था कि ब्रिटेन शुड हैव एन ऑर्डर एट होम, अपना जो घर है उसको बड़ा ऑर्डर्ड होना चाहिए। अच्छा चेक करो, डिजराइली वॉज ऑफ द व्यू दैट द पैलेस इज नॉट सेफ व्हेन द पीपल लिविंग इन द कॉटेज आर अनहैप्पी, कि जब तक झोपड़ी में रहने वाले लोग ना खुश है ना, तब तक आपका महल महफूज नहीं है। महल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, गरीब लोगों की डिससेटिस्फेक्शन, तो आप गरीब लोगों को सेटिस्फाई कर दो, आपका महल महफूज है। इसका क्या मतलब, ये बड़ा रियलिस्टिक था, इसको लगता था कि किसी भी मुल्क के लिए खतरा जो है ना वो बाहर से नहीं है, खतरा अपने लोगों की जो है ना डिससेटिस्फेक्शन है। अगर लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, तो फिर आपका रूल महफूज नहीं है। अगर आपने अपना रूल महफूज करना है तो लोगों को उनकी जरूरियात दो, लोगों को रोटी दो, वो आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ही हैड अ डाउट इन द प्रोग्रेस ऑफ हिज पार्टी विदाउट इंप्रूविंग द लॉट ऑफ द लेबर। जिस तरह भुट्टो आया था ना, भुट्टो ने लेबर्स को बड़ा सपोर्ट किया था, इस बंदे ने भी मजदूरों को बड़ा सपोर्ट किया। ठीक है, दैट इज वाई ही गॉट मैनी एक्ट पास्ट इन ऑर्डर टू मेक द लेबरर्स एंड द पुअर हैप्पी। वेन द पब्लिक वेंट अगेंस्ट ग्लैडस्टोन ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप फ्रॉम 1868 to 1874, डिजराइली टुक इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन हिज कंजर्वेटिव पार्टी एंड न्यू टोरिज्म। इसको लगता था गरीब खुश है तो महल आबाद है, गरीब अगर नहीं खुश तो महल वीरान हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसकी होम पॉलिसी, इसको ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ये बंदा आप लोग खुद समझदार हैं। जब भी आपने कौम को एक नजरिया पे इकट्ठा करना है ना, आपने उस नेशन को एक आइडिया देना है, तो बेहतरीन फोर्स क्या है लोगों को इकट्ठा करने की, दैट इज एजुकेशन। लोगों को एजुकेट करो, अपनी मर्जी का करिकुलम पढ़ाओ, अपनी मर्जी का नैरेटिव उनके ब्रेन्स में फीड करो। एक आया एजुकेशन पॉलिसीज, और इसने एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट 1870 पास किया, और वर्किंग क्लास बच्चों को, उसका लीड क्लास तो पहले पढ़े लिखे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं ना उनको भी तलीम तक, उससे पहले तलीम तक रसाई नहीं दी थी, मजदूर के बच्चों को भी तलीम तक रसाई दी, ताकि उनके माइंड सेट को भी नेशनल नैरेटिव के मुताबिक चेंज करे। फिर इससे देखो बेटा, हाउसिंग सोसाइटी, रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है ना, रोटी भी दी, कपड़ा भी दिया, मकान दिया, तालीम भी दी, इसने हाउसिंग सोसाइटीज बनाई। देखे द आर्टिजन्स डेवेलिंग्स एक्ट ऑफ 1875 एम्पावर्ड लोकल अथॉरिटीज टू एड्रेस इनएडिक्वेट हाउसिंग कंडीशन इन अर्बन एरियाज। दिस लेजिस्लेशन एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हाउसिंग फॉर वर्किंग क्लास, मजदूरों के लिए अच्छे घर और उनके घरों की कंडीशन को बेहतर किया इस बंदे ने। पब्लिक हेल्थ के लिए पब्लिक हेल्थ एक्ट लेके आया, और लोगों के लिए जिस तरह डिस्पेंसरियां आज आपको नजर आती है ना, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वो इस बंदे ने बनाए थे। और ये सारी की सारी चीजें कहाँ से निकल रही है, इसका नजरिया था
कि गरीब की अगर वो क्या उसको कहते हैं झोंपड़ी के अंदर खुशहाली है ना, तो पूरा मुल्क खुशहाल है। तो अब ये गरीब की झोंपड़ी को खुशहाल करने की कोशिश कर रहा है, तालीम दे रहा है, मकान दे रहा है और सेहत दे रहा है, बुनियादी जरूरतें, ठीक है। फिर इसने ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन की, ओके, तो इसने कहा कि देखें मजदूरों के राइट्स हैं, अगर मजदूरों के साथ जुल्म हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रही है, तो वो अपनी ट्रेड यूनियन के जरिए अपने जो वर्किंग राइट्स हैं उनको भी कर सकती है, जिस तरह भुट्टो लेके आया था। अच्छा, आपको कुछ चीज नजर आ रही होगी, ये सारा के सारा एजेंडा वैसे किस नजरिए से मिलता है? सोशलिज्म शाबाश, सोशलिज्म। ये बेसिकली सोशलिस्ट पॉलिसीज एंड इजराइली की, के घर के अंदर वो सोशलिस्ट पॉलिसीज लेके आया था। फिर उसने बात की कंजर्वेटिव यूनिटी की, यानी कि वन नेशन कंजर्वेटिज्म, वन नेशन वन पार्टी, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी का नजरिया पूरी कौम के ऊपर अप्लाई करना है। और फिर उसने मोनार्की और सिंबोलिज्म, ठीक है, डिजराइली एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मोनार्की एज अ यूनिफाइंग सिंबल, ही प्रमोटेड द इंटरेस्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड स्ट्रेंथन द मोनार्की। अच्छा, ये जो बंदा था ना डिजराइली, ये क्वीन विक्टोरिया की बड़ी चापलूसी करता था। आपको पता है जो क्वीन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था क्वीन विक्टोरिया को, इसने जबरदस्ती दिया था, इसने कहा आप लें, आप पूरे इंडिया की क्वीन है, क्योंकि और बाकी जो कॉलोनीज थी ना ब्रिटेन की, वहां पे लोग बहुत ज्यादा नफरत करते थे। इंडिया की कॉलोनी में थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस मिल गई थी ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेशन दी थी, कॉन्सल्स एक्ट पास किए, ठीक है, और यहाँ की ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए स्कूल्स बनाए, रोड्स बनाई, तो कुछ लिमिटेड एक्सेप्टेंस मिली इनको। उसने कहा लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, तो मैं आपको पूरे इंडियन कम्युनिटी की वजह की तरफ से टाइटल दे रहा हूँ कि यू आर अ क्वीन ऑफ इंडिया। इसलिए जो क्वीन थी ना उसको बड़ा पसंद करती थी। और इसके साथ जो दूसरा बंदा था ग्लैडस्टोन, उससे बड़ा तंग थी, वो उसकी चापलूसी नहीं करता था। और उनकी बड़ी लड़ाई होती थी। क्वीन ने ना एक दफा ग्लैडस्टोन से कहा था कि आई एम दी क्वीन ऑफ पीपल, उसने कहा कि आई एम दी वॉइस ऑफ पीपल, कि लोग मुझे, मैं लोगों की आवाज हूं, ठीक है। तो वो बेसिकली लोगों के अंदर पॉपुलर था, लेकिन क्वीन की नजर में पॉपुलर नहीं था। ये जो डिजराइली था, ये बड़ा जो ना तेज बंदा था, चापलूस बंदा था, क्वीन को भी खुश रखता था और लोगों को भी, और लोगों का इसने कहा मेजोरिटी खुश है तो सारे खुश हैं। इसने वर्कर्स राइट्स को इंश्योर किया। फिर इसने ना और भी बड़े अच्छे काम, देखो इस बंदे की अप्रोच चेक करो, बड़ा विजनरी था। इसने ना मर्चेंट शिपिंग एक्ट पास किया, इसने एक अथॉरिटी बनाई कि आज के बाद कोई भी ऐसी कश्ती या कोई भी ऐसी नेवल शिप पानी में नहीं उतरेगी जो खस्ता हाल होगी या जिसका खतरा होगा अगर वापस नहीं पलटेगी, ठीक है। तो उस कश्ती को ट्रेड की परमिशन नहीं मिलेगी, लोडिंग और अनलोडिंग के स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए, इतने लोग एक कश्ती में सवार हो सकते हैं ताकि डूबने वालों की तादाद कम से कम हो, ठीक है। तो इसने ये स्टैंडर्ड्स किए, ओके। फिर इसने एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट किया, ठीक है। इसने कहा कि अगर किसी भी किसान से किसी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली जाएगी तो उसके बदले उसको कंपनसेट किया जाएगा और उसके अल्टरनेटिव लैंड उसको अलॉट की जाएगी। तो इस तरह इसने जो पीजेंट्स थे उनकी भी जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी फॉरेन डोमेस्टिक पॉलिसी, क्लियर है ना? वही रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत रोजगार, ये याद रखना है इसका। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इस बंदे के इंपीरियल डिजाइन्स भी थे, स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग भी बड़ी करता था और ब्रिटेन के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को इनहांस करना चाहता था। यही वजह है कि इसने आपके सामने, किसने, एक तो इसने जो साउथ अफ्रीका है ये एरिया कैप्चर किया, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, इसके साथ इसने स्वेज कैनाल को कैप्चर किया, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स की, इस डिजराइली वाज एन एडवोकेट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड सॉट टू एक्सपेंड द ब्रिटिश एम्पायर इन्फ्लुएंस एंड टेरिटरीज। ही बिलीव दैट इंपीरियल एक्सपेंशन वाज क्रूशल फॉर सिक्योरिंग ब्रिटेन स्टेटस एज अ ग्लोबल पावर, ठीक है। तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और कॉलोनीज के ऊपर ब्रिटेन के रोल को कंसोलिडेट करने का ये बहुत बड़ा सपोर्टर था। स्वेज कैनाल शेयर इसने खरीदे, ठीक है, और उसके साथ इसने ट्रांसवाल, ये जो साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे कह रिया था ट्रांसवाल, इसको इसने कैप्चर किया। डिजराइलीज गवर्नमेंट ऑथराइज्ड द अनेक्सेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकन टेरिटरी ऑफ ट्रांसवाल इन 1877। दिस मूव वाज मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू कंसोलिडेट ब्रिटिश कंट्रोल इन द रीजन, सिक्योर मिनरल रिसोर्सिस एंड थवार्ट पोलिटिकल
पोटेंशियल थ्रेट्स टू ब्रिटिश इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस जगह पे जो ब्रिटिश इंटरेस्ट है उनको सिक्योर किया, किसी किस्म का अगर थ्रेट, देखो ब्रिटेन के लिए जगह बड़ी जरूरी थी, उसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए था। इंडियन कॉलोनी के अंदर अगर कोई भी अपराइजिंग होती है तो उसके यहाँ पे एक मिलिट्री पोस्ट मौजूद होती जो टाइमली डिसाइड करके या टाइमली रिस्पॉन्ड करके उस क्वेल को या उस रिबिलियन को क्या कर सकती थी, सप्रेस कर सकती थी। तो वो उसको कहाँ पे मिला, साउथ अफ्रीका में। एक और देखो, एक तो बिल्कुल नेवल चेक पोस्ट के ऊपर आता है, बिल्कुल समुद्री रास्ते के ऊपर है, ट्रेवल करना आसान है, मूव करना आसान है, ठीक है। फिर यूरोप ब्रिटेन के भी बिल्कुल करीब है, वो देखो ब्रिटेन तक है, तो उसको एक इंटरमीडिएट पोस्ट मिल गई कि जहां पे अपनी कॉलोनीज तक भी एक्सेस कर सकता है और पीछे होमलैंड से भी वो कनेक्टेड रह सकता था। फिर यहाँ पे जुलो वार हुई। अच्छा, जो जुलो ट्राइब था ना, ये बेसिकली ट्रांस वार के रहने वाले आम लोग थे। यहाँ पे दो तरह की कम्युनिटी थी ये साउथ अफ्रीका में, एक थे आम लोग, उनको कहते थे जुलोस, और एक थे सरदार इनके ट्राइबल चीफ, उनको कहते थे बॉयर्स। अक्सर आपने सुना होगा बॉयर वॉर। ये जो बॉयर्स थे ना, ये बेसिकली अफ्रीका के रहने वाले नहीं थे, ये आए थे हॉलैंड से और यहाँ पे आबाद हो गए थे, ठीक है। तो ये जो जुलु वॉर थी, ये बेसिकली किन के अगेंस्ट लड़ी गई थी, लोकल पॉपुलेशन के, जिन्होंने रिजेंट किया था इस रूल के अगेंस्ट। फिर अफगान वॉर, अब आपको पता है कि रशिया और ब्रिटेन इनकी राइवलरी कब स्टार्ट होगी, जब रशिया ने इन्वेड किया टर्की की स्टेट्स को, उसके बाद फिर रशिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में कंटेल करने के लिए, क्योंकि इनको लगता था कि अगर रशिया अफगानिस्तान तक आ गया ऑटोमेटिकली वो कहां पे चला जाएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इस तरह पूरी की पूरी जो ब्रिटिश कॉलोनी है वो थ्रेटेंड हो जाएगी। तो इन्होंने फिर अफगानिस्तान के साथ लड़े और वहां पे अपनी फ्रेंडली गवर्नमेंट इंपोज की जो रशियन इन्फ्लुएंस को क्या करेगी, कर्टेल करेगी, ठीक है। फिर ईस्टर्न क्वेश्चन और कांग्रेस ऑफ बर्लिन का वही क्वेश्चन कि टर्की का जो डिक्लाइन हो रहा है मुसलसल, उसको एड्रेस करने की कोशिश की। अब ये देखो आप लोग जरा कि ये जो बोस्निया है, बोस्निया के साथ आपके पास आ जाता है मोंटीनेग्रो और सर्बिया, ये बड़ी मेजर क्रिश्चियन स्टेट थी, वही इधर सही नजर आएगा, ठीक है। तो इन स्टेट्स ने क्या किया, अपनी फ्रीडम विन कर ली, और इनको किसके, ये किसके अंडर चली गई, ऑस्ट्रिया हंगरी, बड़ी तगड़ी एम्पायर थी उस वक्त की यूरोप की, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो था रोमानिया, इट गॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, और ये आपके पास नीचे टर्की के एम्पायर, तो ये जो एरिया थे ये टर्की से ले लिए गए, रोमानिया टर्की का बिल्कुल पार्ट था। लेकिन ये आहिस्ता, क्योंकि असल मसला ये था कि यहाँ पे था रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और एक आप कह सकते हो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। ये स्टेट्स की मेजोरिटी, यूरोप मेजोरिटी क्या था, क्रिश्चियन था, तो वो अपने मुस्लिम रूल को अपोज कर रहे थे। अच्छा, फिर आता है ग्लैडस्टोन। अच्छा, ग्लैडस्टोन ऐसी समझे जिस तरह हमारे घर में हम सबकी माए बच्चा, हम जितने भी अकलमंद कहते हैं डोने इन अकल मौत ही नहीं है, ये क्या, हर एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के बारे में यही होता है, इन अकल उकल कोई नहीं, बड़ा सीधा साधा है। तो ये बंदा बड़ा सीधा साधा था, जहां पे इसको लगता था ना कि लड़ना पड़ेगा, कहता हूँ बैठ के सुलह करते हैं। वो एक ना बड़ी मीम भी आती है, बैठ के निबड़ लेते हैं, व्हाट अबाउट दैट, ठीक है। तो ये सेम उसी कैटेगरी का बंदा था कि इसने ब्रिटेन इंटरेस्ट को बड़ा हर्ट किया, कि जहां पे ब्रिटेन का इंटरेस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से लड़ा जा सकता था, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के जरिए लड़ा जा सकता था, या एक इन्फ्लुएंशियल कमांड के जरिए ब्रिटेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता था, इस बंदे की कमजोर पॉलिसी ने वहां पे ब्रिटेन के इंटरेस्ट को क्या किया, हर्ट किया, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिटिल इंग्लैंडर। क्या कहते हैं, लिटिल इंग्लैंडर। प्राइम मिनिस्टर ये असल में दोनों का मुकाबला था, ये बने अल्टरनेट टर्म्स पे। एक होता था डिजराइली, जब डिजराइली पीएम होता था ये उसको अपोज करता था, जब अब इसको कौन अपोज कर रहा होगा, डिजराइली, ये दोनों अल्टरनेट टर्म्स पे बनते थे। विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन, अ टावरिंग फिगर इन ब्रिटिश पॉलिटिकल हिस्ट्री, वाज अ स्टेट्समैन, ऑरेटर एंड फोर टाइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। अच्छा, अब इसकी मैं आपको बताता हूँ, ये था होम मिनिस्टर, बहुत अच्छा था,
ये जितना अच्छा होम मिनिस्टर था उतना बुरा फॉरेन मिनिस्टर था। तो जब इसको होम मिनिस्टर बनाते थे ना, तो ऐसा इसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बुनियादी वजह ये थी कि ये इसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज बड़ी कमाल की थी, तो डोमेस्टिक पॉलिसीज की वजह से इसको प्राइम मिनिस्टर बनाते थे और इसकी फॉरेन पॉलिसीज को इसको हटा देते थे। फॉरेन पॉलिसी में जहां भी जो डिसीजन लेता था बेड़ा गरक करता था। तो जब जब ये पीएम बना, इस वजह से बना कि इसकी डोमेस्टिक पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग थी, और जब जब इसको हटाया गया इस वजह से हटाया गया कि इसकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी वीक थी। तो ऑपरेटर फोर टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ही वाज अ सेंट्रल फिगर इन द लिबरल पार्टी एंड प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन शेपिंग ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। ग्लैडस्टोन वाज नॉन फॉर हिज प्रिंसिपल्ड अप्रोच टू गवर्नेंस, असूल प्रस्त बंदा था, ठीक है, गवर्नेंस एडवोकेसी फॉर सोशल रिफॉर्म एंड डी, ये देखें डीप, हिज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ वाइड रेंज ऑफ ऑगेसल सिस्टम, इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस एंड एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। ग्लैडस्टोन्स एफर्ट्स आल्सो एक्सटेंडेड टू द इंटरनेशनल एरिना वेयर ही परसूड पीस एंड सपोर्टेड द राइट्स ऑफ अप्रेस्ड नेशंस। इन पे हाथ हौला रखना चाहिए। अच्छा, इसकी जो पॉलिसीज थी ना, इसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज बड़ी कमाल की थी। देखो, ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाया, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स और कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी लेके आया, ठीक है। यानी कि इसने जितने भी आपके पिलर्स है ना स्टेट के हर पिलर को इंडिविजुअली रिफॉर्म करने की कोशिश की और इंटरनली स्टेट को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया इसने। अच्छा, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो उसी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट को इसने इनहांस किया, ठीक है, और जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे उनको एनरोल किया और एजुकेशन की जो प्रोविजन थी उसको फैसिलिटेट किया। यूनिवर्सिटी टेस्ट एक्ट इसने प्रोड्यूस किया, ठीक है। दिस एक्ट एम्ड टू एड्रेस रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस इन यूनिवर्सिटी एडमिशंस बाय रिमूविंग रिलीजियस टेस्ट एज अ रिक्वायरमेंट। अच्छा देखो, जो यूनिवर्सिटी में ब्रिटेन में होता था ना, उन्होंने रखे होते थे रिलीजियन टेस्ट। अब ब्रिटेन वो पास वही करता था जिसका बिलीव क्या होगा, प्रोटेस्टेंट बिलीव होगा, तो कैथोलिक बच्चे उस टेस्ट में फेल हो जाते थे, ठीक है। तो इसलिए उसने वो यूनिवर्सिटी जो टेस्ट था उसके अंदर से वो सेक्शंस निकाल दिए जो रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से किसी भी बच्चे से तालीम का हक छीन रहे थे। फिर इसने 1880 में दोबारा एक एजुकेशन एक्ट पास किया जिसको मंडेला एक्ट कहते हैं, और द एजुकेशन एक्ट ऑफ 1880 एम टू फर्दर इंप्रूव एलिमेंट्री एजुकेशन बाय एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू अटेंडेंस, फंडिंग एंड क्वालिटी, ठीक है। तीन डोमेन्स के ऊपर इसने काम किया। अच्छा, फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले ये रिफॉर्म एक्ट लेके आया 1867 का, जिसके अंदर फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया गया। और फ्रेंचाइज क्या होती है? हकूक देना। लेकिन अकेला फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? वोट वोट कास्ट करने का जो राइट, उसको क्या कहते हैं? फ्रेंचाइज। तो इसने वोट कास्ट करने की जो पॉपुलेशन थी या उसका जो प्रपोर्शन था उसको इंक्रीज किया। इट एक्सपेंडेड द राइट टू वोट टू अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द अर्बन वर्किंग क्लास। दिस एक्ट एम टू एड्रेस द इनक्वालिटीज इन रिप्रेजेंटेशन बिटवीन अर्बन एंड, यानी कि वोटिंग राइट्स बढ़ा दिए गए। तो पहले जो वर्किंग क्लास के पास वोटिंग राइट नहीं था उनको राइट दे दिया गया। मेन कंसर्न ये था कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के दरमियान जो इनइक्वालिटी है उसको एड्रेस किया जाए। फिर करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट ले, देखो इनकी कितनी अच्छी रिफॉर्म्स है, करप्शन को भी कंट्रोल कर रहा है, लोगों को राइट्स दे रहा है, एजुकेशन को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस इशूज ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शन, यानी कि जो रिगिंग होती है ना इलेक्शन के अंदर, उसको भी इसने कंट्रोल करने की कोशिश की। इट एम्ड टू प्रमोट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बाय रेगुलेटिंग कैंपेन एक्सपेंसिस एंड कर्बिंग प्रैक्टिस दैट कुड अंडरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ट्रू सेंस में जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वो यही होती हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन, कि किसी का मैंडेट चोरी ना किया जा सके, इसको इस बंदे ने इंश्योर किया है। फिर बैलेट एक्ट आया, इसके अंदर इसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया? सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है कि देखो, पहले ये होता था कि अगर किसी कोई वोट डालता था ना तो पता चल जाता कौन किसको वोट डाल रहा है, और बाद उसको वो छितर मारते पकड़ के, हमें तुम कह के गए उसको देंगे, वहां तुम्हारे अगेंस्ट वोट डाल दिया। तो इसलिए लोगों की प्राइवेसी और लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए सीक्रेट बैलेटिंग दी गई, ठीक है। दिस रिफॉर्म एम्ड टू इलिमिनेट वोटर
इंटीमिडेशन जो वाटर को खौफ होता था ना तेनों वेहना दे वो बेचारा डर डर के जा रहा अगर पता चल गया चित्र भी पढ़ने और भी पता नहीं क्या क्या करेंगे इसको खत्म किया गया ठीक है। तो देखें बाय इंश्योरिंग दैट वोटर्स कुड कास्ट देयर बैलेट्स इन प्राइवेट विदाउट फियर ऑफ रेप्राइजल। अच्छा जजेस के कंडक्ट को कंट्रोल किया गया ठीक है कि जजेस किसी भी तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या फेवर ना करें। इसी तरह देयर वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इसमें भी इनफ्रेंचाइजमेंट को इंक्रीज किया गया और वोटिंग राइट को फर्दर एक्सटेंड किया गया। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एक्ट इसके अंदर क्या किया गया कि पार्लियामेंट्री सीट्स को ज्यादा बेहतर इफेक्ट किया गया पॉपुलेशन के साथ और डेमोग्राफिक एरिया पे। देखो अगर ब्रिटेन है ना तो ब्रिटेन के जो जो एरियाज थे उन एरियाज के अंदर सीट्स को डिवाइड किया गया ताकि हर एक एरिया और हर एक जियोग्राफिकल बेल्ट को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। पब्लिक उसका सोशल रिफॉर्म सेम वही रहेगी। पब्लिक हेल्थ एक्ट आता है आर्टिजन्स डिवेलिंग एंड ट्रेनिंग के मजदूरों के लिए मकान बनवाए। फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट बना। क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया गया ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो जुडिशियल रिफॉर्म्स आएंगे ठीक है। और उसका काम क्या था कि आपने इक्विटी को इंश्योर करना है और एफिशिएंट और स्ट्रीमलाइन करना है अपने जुडिशियल प्रोसेस को। यानी कि आपके पास फेयर ट्रायल का राइट होना चाहिए। इनडिस्पेंसेबल जस्टिस होना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सेस होनी चाहिए जस्टिस की। एंड जस्टिस शुड नेवर बिकम अ टूल ऑफ एनी पार्टी। यस लोकल गवर्नमेंट बोर्ड एक्ट आया था ठीक है। इसका क्या बेसिक पर्पस था सुपरवाइज करना और लोकल अथॉरिटीज को इम्पावर करना ताकि पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज को इम्पावर किया जाए। यानी कि मुकामी सतह के मसाइल को मुकामी सतह पर रह के हल किया जाए। सेहत का मसला है सफाई का मसला है तालीम का मसला है या कोई और छोटे मोटे मसाइल हैं तो लोकल अथॉरिटीज उनको रिजॉल्व करें ठीक है। फिर पब्लिक वर्क्स लोन एक्ट आया। इस एक्ट का क्या काम था जो लोकल पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स उनके लिए क्या इशू करना लोन यानी कि सड़कें पार्क बच्चों के लिए जो खेलने की जगह वो वगैरह बनाने के लिए सारा। अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी पॉलिसी ग्लैडस्टोन की। तो बिल्कुल जिस तरह शीप लाइक फॉरेन पॉलिसी है ना और लोगों को हंसी आएगी। ये बेचारा वो इतने इजी इजी काम थे लेकिन अपने से ज्यादा ओवर पीसफुल होने की वजह से इसने वो काम खराब किए। अच्छा विलियम एवर्ट गार्डस्टोन्स फॉरेन पॉलिसी ग्लैडस्टोन्स फॉरेन पॉलिसी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ब्लेंड ऑफ प्रिंसिपल्ड डिप्लोमेसी एंटी इंपीरियलिज्म एंड अ कमिटमेंट टू प्रमोटिंग पीस एंड जस्टिस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज ठीक है। एज अ लिबरल स्टेट्समैन एंड प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन्स फॉरेन पॉलिसी पोजिशंस रिफ्लेक्टेड हिज वैल्यूज एंड हिज डिजायर टू अलाइन ब्रिटेन एक्शंस विद हिज मॉरल बेनिफिट्स मॉरल बिलीव्स। तो जो मेरा ख्याल है ना किसी को तंग नहीं करना किसी को तकलीफ नहीं देनी किसी के राइट्स असर्ट नहीं करने वो सारा कुछ उसकी फॉरेन पॉलिसी में नजर आता था। अच्छा ये लाइन बड़ी मजे की ही वाज मेड प्राइम मिनिस्टर अगेन एंड अगेन फॉर हिज होम पॉलिसी बट ही हैड टू रिजाइन अगेन एंड अगेन फॉर हिज फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी ठीक है। हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कॉस्ट इंग्लैंड इट्स ऑनर एंड प्रेस्टीज दैट्स व्हाई ही इज रिमेम्बर्ड एज लिटिल इंग्लैंडर बाय द पीपल। अब देखें अब जब ये एंटी इंपीरियलिज्म था उसने क्या कॉज किया इसने ब्रिटेन को कि ग्लैडस्टोन वाज नॉन फॉर हिज स्केप्टिसिज्म ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियल एक्सपेंशन। ही एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशंस अबाउट ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन ओवरसीज टेरिटरीज एंड एडवोकेटिंग फॉर नॉन इंटरवेंशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशन अंडर कॉलोनियल रूल। यानी कि जहां जहां पे ब्रिटेन की कॉलोनीज मौजूद थी इस बंदे की ओपिनियन क्या थी कि उन लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए। अगर वो ब्रिटेन से आजाद होना चाहते तो उनको आजाद कर देना चाहिए। तो अगर इसके हाथ में अथॉरिटी होती या इसको अलाउ करती वहां की पार्लियामेंट तो बहुत अरसा पहले कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुकी होती। लेकिन इसको अपोज कौन करता था डिजराइली। वो पार्लियामेंट इसके खिलाफ बड़ा भड़काता था कि इससे बच के रहना ये बेड़ा गरक करेगा हमारे बर्तानिया का। और अच्छा ईस्टर्न क्वेश्चन एंड ऑटोमन एम्पायर ग्लैडस्टोन वाज डीपली इंगेज्ड विद द ईस्टर्न क्वेश्चन व्हिच सेंटर्ड ऑन द डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द बाल्कन्स एंड द ईस्टर्न यूरोप। ही सपोर्टेड द राइट्स ऑफ ओप्रेस्ड क्रिश्चियन पॉपुलेशंस विद इन द ऑटोमन एम्पायर
पर्टिकुलरली इन रीजन्स लाइक बल्गारियन कंडेम्ड वायलेंस एंड अप्रेशन। अब देखो इससे पहले ब्रिटेन की पॉलिसी क्या थी, टू कीप टर्की स्ट्रॉन्ग एंड इंटैक्ट ताकि बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब ना हो। इसने कहा जो जो आजादी मांग रही आजाद कर दो, खबरदार किसी पर जुल्म नहीं करता, ठीक है। तो ब्रिटेन की पॉलिसी वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर से शिफ्ट होके आ गई है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है। और आयरिश क्वेश्चन टू फॉरेन पॉलिसी इन ट्रेडिशनल सेंस, ग्लैडस्टोन्स अप्रोच टू द आयरिश क्वेश्चन हैड इंटरनेशनल इंप्लिकेशंस। हिज एडवोकेसी फॉर आयरिश होम रूल, इस मंत्री ने यह भी कहा कि आयरलैंड की भी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इतना पीसफुल था, खत्म। मुझे लगता है कि ब्रिटेन के कंट्रोल की वजह से उनके राइट्स खत्म हो रहे हैं। हाँ जी, नहीं ये मैंगो नहीं लेके गया था वहां। द आइडिया ऑफ ग्रांटिंग सेल्फ गवर्नेंस टू आयरलैंड विद इन द यूनाइटेड किंगडम एम्ड टू एड्रेस ग्रीवेंसेस एंड प्रमोट हार्मनी बिटवीन ब्रिटेन एंड आयरलैंड। कहता लोगों के दर मोहब्बत तब आएगी हम उन्हें आजाद करेंगे, ठीक है। तो वो आजादी पे यकीन रखता था। नॉन इंटरवेंशन इन द यूरोपियन अफेयर्स, तो ग्लैडस्टोन फेवर्ड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन यूरोपियन अफेयर्स एंड वॉज कॉशियस अबाउट ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। ही बिलीव्ड इन ना मिल बैठ के अब मसला हल करना, जर्मनी की तरफ नहीं जाना, एंड कॉपरेशन अमंग द यूरोपियन पावर्स, डिप्लोमेसी एंड पीसफुल सॉल्यूशंस। ग्लैडस्टोन प्रायोरिटाइज्ड डिप्लोमेसी एंड पीसफुल नेगोशिएशंस इन द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ही सॉट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डायलॉग रादर देन देते। ये काम इसने किया ब्रिटेन के लिए, ठीक है। हाँ जी, उसने भी और इसने भी खरीदे थे। ऑल्दो ही परसूड इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज टू सम एक्सटेंट, ग्लैडस्टोन्स एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द स्विस कैनाल कंपनी इन 1875 वाज ड्रिवन बाय स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशंस। ही एम्ड टू सिक्योर ब्रिटेन्स पोजीशन इन इजिप्ट एंड मेंटेन अ कंट्रोल ओवर द वाइटल मैरिटाइम। मसला क्या था, इंडियन कॉलोनी तक चाहते थे एक्सेस। अच्छा, अब इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रांसवाल, ये वो एरिया है जिसको किसने कैप्चर किया है, डिजराइली ने, और इसने वो कंट्रोल से निकाल दिया। अच्छा, ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ डिजराइली इंग्लैंड हैड एक्वायर्ड ट्रांसवाल इन 1877। द बोयर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम हॉलैंड रिबेल्ड एंड डिफीटेड द इंग्लिश एट मजुहा हिल्स इन 1881। अच्छा ये देखें, ग्लैडस्टोन सेंट एन इंडियन रेजिमेंट under the command of Sir Frederick Roberts, but he came to know that Boers were reluctant to accept the English suzerainty. उसने फौज भेजी लड़ने के लिए नहीं भेजी, उसने फौज को कहा जाओ सिर्फ वहां पे जाओ, आपको देख के वो आपकी ना अताअत कबूल कर लेंगे। लेकिन जब फौज गई तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार। इसी बात पे ही क्या किया, he changed his mind, उसने अपना इरादा बदल दिया। This weak policy, After all, Gladstone entered into a pact with them and declared them free under the English suzerainty. This weak policy of Gladstone was strongly protested by the English nation, for it was against the interest of England, and their going before the Boers was a slur on their prestige. उस बंदे ने फौज भेजी इंडिया से, भेजी रेजिमेंट एक प्लाटून, और उसको जाके कहा कि हम सिर्फ उनको डराना है, डर जाए तो ठीक है, ना डरे तो फिर नहीं लड़ना। और नहीं डरे, उसने कहा चलो बैठ के मसला हल करते हैं। मसला हल किया, उसके बाद उनको आजाद कर दिया, और इस वजह से ब्रिटेन की प्रेस्टीज बुरी तरह हर्ट हुई। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट से वो हाथ धो बैठा। अच्छा, इजिप्ट के अंदर क्या हुआ, इजिप्ट वॉज अंडर द कॉमन कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस व्हेन एन आर्मी ऑफिसर नेम्ड अरबी पाशा रिवॉल्टेड इन 1882 एंड पुट मेनी यूरोपियंस टू डेथ। Gladstone, despite his weak policy, was obliged to act. When France paid no heed to this issue, England had to take action single-handed. An English regiment defeated Arbi Pasha at Tel El Qatar and re-established law and order in Egypt. Egypt fell into the hands of the English and they established their rule in the over there. ये काम इसने एक वायर से गलती से हो गया, कंट्रोल ब्रिटिश का दोबारा था ना। अच्छा, फिर ग्लैडस्टोन एंड सूडान 1883, यहाँ पे आप लोग देखें कि इन सूडान अ पर्सन नेम मोहम्मद अहमद हु कॉल्ड हिमसेल्फ मेहदी रिवॉल्टेड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1883। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू रिकॉल देयर फोर्सेस फ्रॉम खरतूम। खरतूम क्या है,
किसका कैपिटल सिटी है? सूडान का. ठीक है. सो जनरल गॉर्डन वॉज सेंट देयर टू कंप्लीट दैट टास्क. व्हेन ग्लैडस्टोन केम टू नो दैट द ब्रिटिश फोर्सेस वर सराउंडेड बाय मेहदी एंड हिज फॉलोअर्स, ही सेंट लॉर्ड वॉल्सली टू सकर गॉर्डन, बट बिफोर वेल्सली कुड रीच खर्तूम, मेहदी हैड ऑक्यूपाइड खर्तूम एंड गॉर्डन हैड बीन पुट टू डेथ ऑन 1885. ठीक है, ये इसको डेथ. अच्छा, अब आप इनका कंपैरिजन देख लें दोनों का. डिजराइली जोइश फैमिली से बिलोंग करता था, ये क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था. डिजराइली की जो एजुकेशन थी उसकी कुछ स्टेट एजुकेशन नहीं थी, प्राइवेट एजुकेशन थी जहां से मिल गई. और ग्लैडस्टोन की जो एजुकेशन थी दैट वाज फ्रॉम एटन एंड ऑक्सफोर्ड. डिजराइली की पर्सनैलिटी बड़ी कैरिज्मेटिक थी और वो बड़ा सीरियस और विजनरी टाइप बन रहा था. ठीक है, बड़ा अच्छा स्पीकर, दोनों बड़े अच्छे स्पीकर थे, कमाल के स्पीकर थे. पार्लियामेंट के अंदर इनकी स्पीचेस बड़ी लोग सुनते थे और बड़ा इनको अप्रिशिएट करते थे. अच्छा, डिजराइली बड़ा अपॉर्चुनिस्ट था, मौका प्रस्त, और ग्लैडस्टोन अपॉर्चुनिस्ट नहीं था. डिजराइली प्रोटेक्शनिस्ट था और वो फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता था. इसी तरह डिजराइली मलका की बड़ी खुशामद करता था और वो इस चीज से टोटली फ्री था. ठीक है, ये आपके पास अग्रेसिव था, वो रिफॉर्मिस्ट था, ये इंपीरियलिस्टिक था और ये लिटिल इंग्लैंडर था. लिटिल इंग्लैंडर मतलब ये है कि वो किसी तरह से कॉलोनियलिज्म के फेवर में नहीं था. अच्छा, ये एडवर्डियन ही रहा है, इसको ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है थोड़ा सा बस. इसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज आपने देखनी है और इसके अंदर दो अलायंस बने थे वो आपको पता होना चाहिए. यूरोप के अंदर एक ट्रिपल अलायंस और एक ट्रिपल इंतांत. ट्रिपल इंतांत वही है, ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस, और ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली. ठीक है, तो ये अलायंस बने थे और इस पीरियड में जो ब्रिटेन था ना, इट वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड वॉर वन. आप देखें डायरेक्ट आगे से क्या शुरू होना है, वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है, उसको हमने रीड करना है नेक्स्ट. हाँ जी, ब्रिटेन अलायंस में नहीं गया रशिया के साथ और फ्रांस के साथ, क्योंकि जर्मनी की जो जर्मनी एक बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे सामने आ रहा था पूरे यूरोप में ना. अब दो सुपीरियर नेवल फोर्सेस थी, एक ब्रिटेन और सेकंड कौन सी थी, जर्मनी. जर्मनी की इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी और अब ब्रिटेन को खतरा किससे था, जर्मनी से. इसलिए अब जर्मनी जो जो ब्रिटेन था वो अलायंस में जा रहा था. बेटा किसी बच्चे का क्वेश्चन, दैट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर. बिल्कुल बेटा, जा सकते हैं. और आप लोगों की असाइनमेंट मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वहां से आप लोग इसको देख लें. चले जी, लेक्चर में एंड कर रहा हूँ. सर ऐसा नहीं लगता कि जो